दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको अमेरिकन राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे द्वारा लिखा गया एक नोवेल जिसका टाइटल है ए फेयरवेल टू आर्म्स। इसकी कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देते हैं। ये स्टोरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बैकग्राउंड में ना लिखी गई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसका बैकग्राउंड है इस स्टोरी का। इसमें जो मेन लड़ाई बताई गई है जो बैकग्राउंड में, वो इटालियन फोर्सेस और जर्मन फोर्सेस के बीच में लड़ाई है। और जो नोवल का जो हीरो है फ्रेडरिक हेनरी, वो इटालियन फोर्स में एक एम्बुलेंस ड्राइवर है और वो इटली की तरफ से लड़ता है। दोस्तों, देखा जाए तो ये कहानी एक तरह से लव एंड वॉर की है। इसमें प्यार की बात भी है, इसमें युद्ध की लड़ाई की बात भी है। कुछ सीन्स इसमें वॉर के हैं, बहुत से सीन्स इसमें लव के हैं। तो लव और वॉर के बीच में झूलती हुई कहानी है ये। और दोस्तों, ये स्टोरी ट्रू अकाउंट्स यानी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी है, क्योंकि जो राइटर है अर्नेस्ट हेमिंग्वे वो इन रियलिटी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर शामिल हुआ था इटली की तरफ से। और वास्तव में उसे वहाँ एक इंग्लिश नर्स से प्यार भी हुआ था, हालांकि उस नर्स ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था। तो देखा जाए तो ये स्टोरी एक तरह से जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो फर्स्ट हैंड अकाउंट है, जो उसने खुद ने उसके जीवन में जो घटनाएं घटी थी उस पर आधारित ये कहानी है। इस नोवेल के अंदर जो दो मेन करेक्टर्स हैं, फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन बर्कले, उनके बीच में लव अफेयर है। और बैकग्राउंड के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 है, तो कैसे उन दोनों के बीच में प्यार पनपता है और कैसे ये युद्ध चलता है, इसके बारे में ये कहानी है। ये नोवेल अपने टाइम का बेस्ट सेलर नोवेल था। तो दोस्तों, ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड मैंने इस स्टोरी का, इस नोवेल का बताया है। अब हम इस स्टोरी के, नोवेल के इम्पोर्टेंट करेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस नोवेल का जो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला करेक्टर है वो है फ्रेडरिक हेनरी। फ्रेडरिक हेनरी एक अमेरिकन सिटीजन है जो कि इटली के अंदर आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा है। उसी दौरान युद्ध स्टार्ट होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जो ये हेनरी है वो इटालियन आर्मी ज्वाइन कर लेता है एज ए लेफ्टिनेंट, एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर, क्योंकि वो इटालियन बोल सकता है, इसलिए उसको उस आर्मी में शामिल, इटालियन आर्मी में शामिल कर लिया जाता है। वो आर्मी जस्ट एक फॉर द फन ऑफ वॉर, यानी युद्ध को, वॉर को एंजॉय करने के हिसाब से वो आर्मी ज्वाइन करता है। लेकिन बाद में उसे पता लगता है कि वॉर इज नॉट अ फन, मतलब युद्ध कोई मजाक या हंसी मजाक का खेल नहीं है। युद्ध जो वॉर है वो इंसान को मानसिक एंड शारीरिक तौर से तोड़ देता है। तो जो ये हेनरी है वो एक वुमेनाइजर भी है, वो मतलब एक तरह से वुमेन, औरत उसके लिए एक खेलने की वस्तु है एक तरह से देखा जाए तो। और वो युद्ध के दौरान बीच में जब भी टाइम मिलता है वो बहुत सारे ब्रथल्स वगैरह में जाता है, और बहुत ही मतलब अदर नो डिफरेंट डिफरेंट वुमेन के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। और वो अपनी लाइफ को बिल्कुल लाइटली लेता है, और लव जो एक मान लो सच्चा प्यार है उसको तो वो कुछ मानता ही नहीं है कि सच्चा प्यार नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। प्यार तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें जस्ट अपन एक तरह से गेम खेल रहे हैं, एक तरह से वो प्यार को एक गेम मानता है और कुछ ही नहीं है। लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो कैथरीन से, जो एक नर्स है, उससे वास्तव में सच्चा प्यार करने लगता है। और कैसे वो एक दूसरे के प्यार में मतलब दीवाने हो जाते हैं एक तरह से, वो स्टोरी में आगे पता लगेगा। जो सेकंड करेक्टर है वो है कैथरीन बर्कले। कैथरीन बर्कले एक इंग्लिश नर्स है जो कि इटली के अंदर हॉस्पिटल के अंदर है। वो काफ़ी सिंपल, एक्सट्रीमली जेंटल, सिंसेयर है, इमोशनली इंटेंस है और काफ़ी ब्रेव भी है। उसका जो फियांस है, मंगेतर है, जिससे शादी होने वाली थी, वो युद्ध में मर गया था। तो इस कारण से वो अभी काफ़ी डिप्रेस है, और वो चाहती है कि वो, उसका जो मंगेतर युद्ध में ख़त्म हो गया था, उस यादों को एक तरह से भूल जाए। इसलिए वो हेनरी की तरफ अट्रैक्ट होती है और उसके साथ में एक तरह से गेम खेलने लगती है, सिडक्शन, एक दूसरे को सिड्यूस करने वाला गेम खेलने लगती है। दोस्तों, इस नोवेल के अंदर ये दो ही इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं। तीसरा एक और करेक्टर है डॉक्टर रेनाल्डी, जो कि एक इटालियन डॉक्टर है। वो जो रेनाल्डी है वो एक हैप्पी गो लकी टाइप का पर्सन है, आराम से मजे में रहता है वो। हालांकि वो एक वुमेनाइजर भी है, वो एक अच्छा सर्जन भी है, वो अपनी ड्यूटीज को एज ए सर्जन काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, और वो हाईली एडिक्टेड टू सेक्स है। लेकिन वो एक अच्छा दोस्त भी है, और जब उसे पता लगता है, पहले तो वो रिनाल्डी
कैथरीन की तरफ, कैथरीन से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि कैथरीन इस टाइप की लड़की नहीं है, तो और जब पता लगता है कि जब कैथरीन है वो हेनरी की तरफ अट्रैक्टेड है, तो वो हेनरी और कैथरीन की दोस्ती करवा देता है, उनको आपस में मिलवा देता है, क्योंकि वो हेनरी का भी दोस्त था और कैथरीन का भी दोस्त था। तो इस तरह से ये तीन करेक्टर्स हैं, दो इंपॉर्टेंट करेक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि दो लीड करेक्टर्स है, हीरो हीरोइन फ्रेडरिक हेनरी और सेकंड कैथरीन बर्कले, और जो थर्ड है वो है डॉक्टर रिनाल्डी। उसके अलावा जो माइनर करेक्टर्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी 5 सेक्शंस में डिवाइड है, हर सेक्शन में अलग अलग एक्शंस होते हैं, तो हम वन बाय वन हर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो जो पहला सेक्शन है वो कुछ इस प्रकार स्टार्ट होता है। युद्ध चल रहा है, जो जर्मन फोर्सेस और इटालियन फोर्सेस उनके बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन क्योंकि सर्दियाँ आ गई है तो और बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, इसलिए फिलहाल सर्दियों के अंदर युद्ध को स्थगित कर दिया जाता है, युद्ध को बीच में रोक दिया जाता है। तो इस कारण से जो अपना मेन जो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, फ्रेडरिक हेनरी, जो कि युद्ध के अंदर युद्धरत था, उसको छुट्टियां मिल जाती है, और छुट्टियां मिलने पर वो अपनी छुट्टियों को सेलिब्रेट करने के लिए मिलान जाता है, रोम जाता है और नेपोली जाता है। वो इन जगहों पर, किन जगहों पर, मिलान, रोम एंड नेपोली, इन जगहों पर जाकर अपनी छुट्टियों को एंजॉय करता है, और उसे पता ही नहीं चलता कि कब रात हो रही है, कब दिन हो रहा है। उसकी जो रातें हैं वो ज़्यादा रंगीन होती है दिनों की अपेक्षा के अंदर, क्योंकि वो रातों के अंदर नाइट क्लब वगैरह, ब्रिथल्स वगैरह वहाँ जाता है और अपनी लाइफ को एक तरह से एंजॉय करता है। उसके बाद में जब स्प्रिंग सीजन आता है, यानी कि जो सर्दियों के बाद का टाइम है, वसंत ऋतु वाला वो टाइम आता है, तो वापस लड़ाई शुरू हो जाती है, और जो हेनरी है उसकी पोस्टिंग युद्ध के पास के जगह, वहाँ पर एक ब्रिटिश हॉस्पिटल है, वहाँ पर उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है। वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है डॉक्टर रिनाल्डी, जो कि उसका दोस्त भी है और उसका रूममेट भी है। तो जो ये डॉक्टर रिनाल्डी है उसका एक्चुअली अफेयर चल रहा होता है एक नर्स, ब्रिटिश नर्स जो कि कैथरीन बर्कले, कैथरीन है, उसके साथ अफेयर चल रहा होता है। लेकिन जब रिनाल्डी को पता लगता है कि जो कैथरीन है उसकी टाइप की लड़की नहीं है और वो ज़्यादा अट्रैक्टेड है हेनरी की तरफ, तो वो हेनरी और कैथरीन को मिलवा देता है, उनकी दोस्ती करवा देता है। तो जो हेनरी और कैथरीन है वो एक दूसरे से मिलने लगते हैं, मीटिंग्स करने लगते हैं, और उनमें थोड़ी इंटीमेसी बढ़ने लगती है। जो ये कैथरीन है एक्चुअली इसका जो हस्बैंड है, हस्बैंड नहीं, एक तरह से मंगेतर, मतलब शादी हुई नहीं थी, होने वाली थी, तो फियांस है इसका जो मंगेतर है, वो युद्ध में मारा जाता है, तो उसके दुख में ये काफ़ी डिप्रेस है कैथरीन, और वो उस दुख को भूलना चाहती है। इस कारण भी वो हेनरी की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होती है और उसको एक तरह से सिड्यूस करने की कोशिश करती है, ताकि वो अपने जो दुख है, डिप्रेशन है, उसको भूल सके। लेकिन जो ये हेनरी है उसके लिए लव वगैरह कुछ नहीं होता, लव वगैरह कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए लव एक तरह से गेम ऑफ चेस है, जिसके अंदर हमें अपने मूव्स चलाने होते हैं, जिसमें हमें अपनी बाजियां चलानी होती है, और कुछ नहीं होता, और तो वो लव को कुछ मानता ही नहीं एक तरह से हेनरी। तो एक तरह से जो हेनरी और कैथरीन है उनके बीच में एक शुरुआती कांटेक्ट इस तरह से एस्टेब्लिश्ड होता है, कि वो हल्के फुल्के एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं, हल्के फुल्के एक दूसरे को सड्यूस करते हैं, जो मान लो एक तरह से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हल्का फुल्का, जो एक बोलते हैं ना फर्स्ट डेट के जैसा, मतलब इंटीमेसी हल्की सी रहती है, तो उस तरह से ये थोड़ा हल्का फुल्का से एक उनका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, कि जो हेनरी है वो युद्ध की चीज़ों को भूल जाना चाहता है फिलहाल के लिए, और जो कैथरीन है वो अपने मंगेतर की डेथ को भूल जाना चाहती है, तो एक तरह से वो हल्का फुल्का कांटेक्ट उनमें एस्टेब्लिश होता है। उसके बाद में जो हेनरी को युद्ध में वापस भेज दिया जाता है, युद्ध में लड़ते लड़ते हेनरी की वहाँ पर जो नी है घुटनों में, उसके एक तरह से ना घुटना उसका डैमेज हो जाता है, एक घुटना उसका डैमेज हो जाता है, मतलब एक तरह से वो अपने एक घुटने को लॉस्ट कर देता है। तो इस कारण से उसको उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, मिलान के अंदर एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है उसको वहाँ पर। जो सेकंड पार्ट है स्टोरी का, उसके अंदर हेनरी को मिलान के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स उसको सजेस्ट करते हैं कि उसके घुटने का ऑपरेशन करने से पहले उसे 6 महीने के लिए बेड रेस्ट करना चाहिए। लेकिन जो हेनरी है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि इतना लंबे टाइम पीरियड तक वो बेड पे पड़ा रहे, वो चीज़ उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए वहाँ पर वो एक डॉक्टर, एक सर्जन जिसका नाम है डॉक्टर वेलेंटिनी,
उससे मिलता है जो कि उसको इमीडिएटली ऑपरेट करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद में जो हेनरी का ऑपरेशन होता है, उसके बाद में वो रेस्ट करता है, और जब हेनरी को पता लगता है कि जो कैथरीन है उसका भी इसी हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफर हो गया है, और वो नर्स है जो कि उसकी आगे टेक केयर करेगी, ध्यान रखेगी, तो इससे वो बहुत उसे खुशी मिलती है। और हेनरी और कैथरीन दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, और जो पहले उनका रिलेशनशिप जो एक कैजुअल रिलेशनशिप था, शायद हल्का फुल्का, बिल्कुल जो दोनों सीरियस नहीं ले रहे थे, अब वो उनका रिलेशनशिप थोड़ा सा इंटेंसिफाई होता है। पहला जो उनका लव जो था वो एक तरह से फेक लव था, अब वो एक रियल लव के अंदर कन्वर्ट होता जाता है, और वो दोनों एक दूसरे से वास्तव में रियल में प्यार करने लगते हैं। और कुछ दिनों के बाद जब हेनरी का जो पाँव है वो पूरा कम्प्लीटली हील कर जाता है, पूरा सही हो जाता है, तो जो आर्मी है उसको आर्मी हेनरी को कॉन्वलिशन लीव यानी कि स्वास्थ्य लाभ वाली जो छुट्टियां हैं वो प्रदान करती हैं, ताकि उसके बाद में उन छुट्टियों को व्यतीत करने के 3 वीक्स की छुट्टियां मिलती है उसको स्वास्थ्य लाभ के लिए। उन छुट्टियों को उन्होंने बिताने के बाद में फिर उसे वापस फ्रंट पे लौटना है, तो इन 3 वीक्स की छुट्टियों को हेनरी प्लान करता है कि वो कैथरीन के साथ में कोई किसी ट्रिप पर जाएगा और एन्जॉय करेगा। लेकिन जब कैथरीन उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तो उनका वो एक तरह से प्लान कैंसिल हो जाता है, और उसके नेक्स्ट डे हेनरी का जॉन्डिस का इलाज चलता है, जहाँ पर एक डॉक्टर होती है मिस वैन कैम्पेन, जो कि सुपरिटेंडेंट है उस हॉस्पिटल की। वो हेनरी को अक्यूज़ करती है, उसको ब्लेम करती है कि उसने ये जो बीमारी हुई है उसको जॉन्डिस की, वो एक्सेसिव ड्रिंकिंग की वजह से हुई है, और वो इसलिए किया है उसने ताकि वो आर्मी में जो अपनी ड्यूटी है उससे बच सके। तो इस कारण से जो मिस वैन कैंपेन जो कि सुपरिटेंडेंट है उस हॉस्पिटल की, वो उसकी जॉन्डिस का ठीक होते ही उसकी जो लीव्स है उनको ख़त्म कर देती है, उनको डिनाई कर देती है, और इसलिए हेनरी को वापस फ्रंट पर लौटना पड़ता है। और जैसे वो लौट रहा होता है फ्रंट पर, तो कैथरीन और हेनरी दोनों प्लेज एक प्रतिज्ञा करते हैं कि वो एक दूसरे के प्रति एक बिल्कुल सच्चे रहेंगे और एक दूसरे से हमेशा सच्चा प्यार करते रहेंगे। इसके बाद हेनरी वापस फ्रंट पर, वॉर फ्रंट पर लौट जाता है। जो स्टोरी है उसका पार्ट 3 स्टार्ट होता है। इसके अंदर हेनरी वापस वॉर फ्रंट पर आ चुका है, जो इटालियन फोर्सेस है उनकी एक तरह से देखा जाए तो हार हो रही है, वो जर्मन फोर्सेस से हारते जा रहे हैं, और जो वर्ल्ड वॉर की जो फेमस रिट्रीट है जिसको बोलते हैं कैपरेटो रिट्रीट, उसके अंदर इटालियन आर्मी वॉज रूटेड बाय द एस्ट्रो जर्मन अलायंस। तो क्योंकि नो इटालियन फोर्सेस की हार होती जा रही है, तो जो भी ट्रुप्स है वो बहुत पीछे की तरफ, इटालियन ट्रुप्स वापस पीछे की तरफ धकलते जा रहे हैं। जो हेनरी है जो कि इटालियन फोर्सेस की तरफ है, वो अपनी जो टीम है एम्बुलेंस ड्राइवर्स की उनको बचाते हुए बाहर निकलता है, और इस वक्त इस दौरान वो 2 इंजीनियरिंग सर्जेंट्स और 2 डरी हुई लड़कियों को अपने साथ ले जाता है उनको बचाने के लिए। जब वो सब अपने व्हीकल के अंदर जा रहे होते हैं तो उनका व्हीकल एक कीचड़ में फंस जाता है, तो हेनरी ऑर्डर करता है 2 इंजीनियर्स को कि वो उस व्हीकल को निकाले, तो उनमें से जब वो रिफ्यूज़ करते हैं तो उनमें से वो एक को शूट कर देता है। जब उनकी गाड़ी पूरी तरह से फंस चुकी है कीचड़ के अंदर और निकल नहीं पा रही है, तो वो जो 2 लड़कियां हैं उनको तो भेज देते हैं, और खुद पैदल पैदल चलकर वो यूडीन नाम की जगह पर जाने लग जाते हैं। तो इनकी जो पूरी टीम है उसमें से एक ड्राइवर शॉट डेड, उसकी गोली लग जाती है, और जो एक ड्राइवर है वो खुद को सरेंडर कर देता है, बाकी जो बच्चे हैं वो सब के सब हेनरी के साथ मिलकर एक फार्म हाउस में जाकर शरण ले लेते हैं। अगले दिन जब इटालियन सोल्जर्स को पता लगता है कि इटली की डिफीट हो रही है, तो वो जो इटालियन सोल्जर्स है वो अपने कमांडिंग ऑफिसर्स को बाहर निकाल निकाल कर उनको एक तरह से मारते हैं, ख़त्म कर देते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इटली की हार हो जाए। और उसी दिन जो नो इटली की जो बैटल पुलिस है वो हेनरी को भी गिरफ्तार कर लेती है। उनको ये डाउट होता है कि ये इटालियन ड्रेस के अंदर एक जर्मन है, इसलिए वो उसको गिरफ्तार करने लगती हैं। लेकिन उस वक्त ही हेनरी भागता है, और भागकर वो एक नदी के अंदर छलांग लगा देता है, और वहाँ से वो बचकर निकल जाता है। उसके बाद में वो एक ट्रेन पकड़ता है जो कि मिलान की तरफ जाने वाली होती है, और उस ट्रेन में वो चले जाता है, और वो ये सोचता है कि अब उसकी जो युद्ध के प्रति जो जिम्मेदारी थी वो अब ख़त्म हो गई है, उसे अब कोई युद्ध नहीं करना है, अब उसे वापस कैथरीन के पास जाना है और उससे प्यार करना है, ऐसा वो सोचता है।
उसके बाद में जो हेनरी है वो एक स्ट्रेसा नाम के कस्बे के अंदर जाकर कैथरीन से मिलता है। वहां से वो दोनों मिलकर भाग जाते हैं, स्विट्जरलैंड की तरफ भागते हैं। वो एक छोटी सी नाव को बोरो करते हैं और पूरी रात भर उस नाव को चलाते चलाते वो स्विट्जरलैंड पहुंचते हैं। वहां जाकर वो एक एल्पाइन नाम के टाउन, एल्पाइन नाम के कस्बे में जाते हैं और वहां पर वो सेटल हो जाते हैं। तो ये जो चीज है, ये कहानी के पार्ट 4 के अंदर पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की गई है कि किस तरह से वो स्विट्जरलैंड की तरफ जाते हैं, किस तरह से वो एक नाव बोरो करते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं और जाके वो एल्पाइन नाम के टाउन में जाकर वहाँ सेटल डाउन होते हैं। ये पूरी चीज पार्ट 4 के अंदर एक्सप्लेन की गई है। पार्ट 5 के अंदर ये बताया गया है कि दोनों लवर्स स्विट्जरलैंड के अंदर जनवरी, फरवरी और मार्च के 3 महीने बड़े आराम से निकालते हैं, बड़े प्यार भरे टाइम निकालते हैं वो। कभी कभी हेनरी को ऐसे लगता है कि वो युद्ध से भाग के आ गया तो उसे एक गिल्ट फीलिंग आती है, लेकिन फिर बाद में उसे लगता है कि उसने जितना वो कर सकता था उसने अपनी ड्यूटीज पूरी की हैं। अब उसे अपने जो कर्तव्य, प्यार के प्रति जो कर्तव्य, उसको पूरा करना चाहिए। इसलिए वो अपनी वाइफ के प्रति, कैथरीन के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा कमिटेड होता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्यार करता है। और वो जो टाइम है उनका, वो काफ़ी 3 महीने का टाइम उनका काफ़ी प्यार भरा निकलता है और वो अपनी वाइफ का, अपनी लवर का काफ़ी अच्छी तरीके से टेक केयर करता है। और उसके बाद में वो एक हॉस्पिटल के पास में एक जगह है लॉजिन, उसके पास में जाके रहने लगते हैं ताकि जब भी डिलीवरी हो तो वो एकदम से हॉस्पिटल में एडमिट करा सके कैथरीन को। तो एक दिन सुबह सुबह कैथरीन को लेबर पेन होता है, तो वो हेनरी कैथरीन को हॉस्पिटल में लेके जाता है। वहाँ हॉस्पिटल में जो कैथरीन की जो डिलीवरी है वो काफ़ी पेनफुल और कॉम्प्लिकेटेड होती है। इस कारण से जो वो कैथरीन है वो स्टिल बॉर्न बेबी, यानी एक ना ना मृत बच्चे का जो कि एक लड़का था, उसको जन्म देती है और उसी रात को वो खुद भी हैमरेज से ख़त्म हो जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो हेनरी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है कि उसका जो बच्चा है वो ना मरा हुआ पैदा हुआ और उसी रात को जो उसकी वाइफ है, लवर है, वो भी हैमरेज से ख़त्म हो जाती है। तो एक तरह से उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और हेनरी चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और अपने होटल की तरफ जाने लगता है। उस वक्त काफ़ी बरसात हो रही होती है और वो बरसात के अंदर भीगता भीगता अपने होटल की तरफ जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये कहानी पूरी होती है। बहुत ही अच्छी कहानी है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा। इसमें लव और वॉर और बहुत सारी फीलिंग्स को बताया गया है, ट्रेजेडीज को बताया गया है। तो देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो कि लव एंड वॉर को एक्सप्लेन करती है। अब हम इस स्टोरी की कुछ थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी मेनली जो है 5 थीम्स को अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है लव, सेकंड है वॉर, थर्ड है लॉस एंड ट्रेजेडी, फोर्थ है रियलिटी वर्सेस फैंटेसी और फिफ्थ है मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। जो फर्स्ट पॉइंट है थीम का वो है लव। लव ऑब्वियसली दो ह्यूमन बींग्स हैंनरी और उसकी लवर कैथरीन, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत इंटीमेट हो जाते हैं, सच्चा प्यार करने लग जाते हैं। तो एक तरह से इसमें ये स्ट्रॉन्ग लव वाली थीम है। सेकंड है वार। वार ऑब्वियसली बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में वार चल रही है और वार के अंदर जो भी सीन्स वगैरह है, जो भी उसके दुखद घटनाएं घटती हैं, वो सब इसके अंदर एक्सप्लेन की गई है। जो थर्ड थीम है लॉस एंड ट्रेजेडी। लॉस एंड ट्रेजेडी इस तरह से है कि जो वॉर है तो ऑब्वियसली उसमें लॉस भी होगा, बहुत सारे इंसान मारे जाएंगे तो इस कारण से काफ़ी लॉस होगा। और ट्रेजेडी को इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि जो दोनों लवर्स मिलते हैं, एक दूसरे से काफ़ी प्यार करने लगते हैं और अच्छा टाइम निकालते हैं, लेकिन उसके बाद में ऐसा टाइम आता है कि दोनों लवर को जो डेथ है वो एक तरह से जुदा कर देती है, हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर देती है। तो एक तरह से ये एक ट्रेजिक पॉइंट है। फोर्थ जो थीम है वो है रियलिटी वर्सेस फैंटेसी। फैंटेसी में जो दोनों लवर्स हैं उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर एक दूसरे से काफ़ी फ्लर्ट किया, काफ़ी एक दूसरे के साथ में मतलब टाइम निकाला, लेकिन वो एक रियल लव नहीं था, वो एक तरह से एक सिडक्शन था दोनों का एक दूसरे के प्रति। लेकिन बाद में उनमें रियलिटी में वास्तव में प्यार भी होता है और सच्चा प्यार एक दूसरे से करने लग जाते हैं। लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि एंड में जाके जो सच्चाई है वो ये है कि प्यार कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, अंत में उनको
जो टाइम है, परिस्थितियां है और जो सच्चाई है मृत्यु, वो उनको अलग कर देती है। तो ये एक रियलिटी भी है। तो इस तरह से ये रियलिटी वर्सेस फैंटेसी वाला पॉइंट है। जो पांचवा पॉइंट है वो है मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी को इसमें इस स्टोरी के अंदर काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। और कुछ मतलब इसमें हेनरी जैसा जो मैस्कुलिनिटी हेनरी की बताई गई है कि वो काफी बहादुर है और काफी रोबस्ट है, काफी करेजियस है, और साथ साथ में मतलब जो एक मैस्कुलिनिटी का पॉइंट तो माना जाता है थोड़ा बहुत कि वो सेक्सुअली काफी एक्टिव भी है। जो हेनरी है वो काफी कॉम्पिटेंट है, अपना जो भी काम वो कर रहा है वो काफी अच्छे तरीके से कर रहा है। थोड़ा सा डोमिनेटिंग डोमिनेट किस्म का भी है। तो इस तरह से हेनरी की जो क्वालिटीज हैं वो एक मैस्कुलिनिटी को डिस्क्राइब करती है। साथ ही जो उसका फ्रेंड है रिनाल्डी, डॉक्टर रिनाल्डी, जो कि काफी फेथफुल फ्रेंड है, हालांकि ओवर सेक्स वुमेनाइजर भी है वो, लेकिन अपने काम के अंदर काफी परफेक्शनिस्ट है, काफी अच्छा सर्जन है। तो इस तरह से कुल मिला के ये मैस्कुलिनिटी वाली जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस स्टोरी के अंदर काफी अच्छी तरह से डिपिक्ट होती हैं। फेमिनिटी को भी इस स्टोरी के अंदर काफी अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। जैसे जो कैथरीन वाला करेक्टर है वो काफी हम्बल है, करेजियस भी है, लेकिन कभी कभी टूटा हुआ भी है। खराब परिस्थिति आती तो वो टूट जाती है कैथरीन, लेकिन उससे परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश भी करती है। और काफी लवेबल है, अपना जो पेशेंट्स है उनको वो काफी अच्छे तरीके से प्यार से उनकी देखभाल करती है एक तरह से देखा जाए तो। और इस दुख भरे संसार के अंदर है तब भी वो हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करती है। कुछ फीमेल स्टीरियोटाइप्स को भी थोड़ा से बताया गए हैं कि वो नर्सेस है या प्रोस्टिट्यूट्स हैं, इस तरह से चीजें जो रियलिटी में हैं वो भी बताई गई हैं। कुल मिलाकर इस स्टोरी के अंदर फेमिनिटी के अलग अलग रूप बताए गए हैं। वो एक लवर भी है, वो एक नर्स है जो कि लोगों की देखभाल करती है और कैसी भी परिस्थितियां हो उनसे बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो इस तरह से ये स्टोरी की पांच मेजर थीम्स हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में लिखते वक्त। अब हम इस स्टोरी के अंदर जो कुछ मोटिव्स यूज किए गए हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम ये बता दें कि मोटिव्स होते क्या हैं। मोटिव्स आर रिकरिंग स्ट्रक्चर्स, कॉन्ट्रास्ट और लिटरेरी डिवाइसेस दैट कैन हेल्प टू डेवलप एंड इन्फॉर्म द टेक्स्ट मेजर थीम्स। मतलब मोटिव क्या होते हैं, मोटिव होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स हो इस तरह के, कोई कंट्रास्टिंग बात हो या कोई लिटरेरी डिवाइस हो जो कि हेल्प करते हैं टेक्स्ट जो उस स्टोरी है उसकी मेजर थीम्स को डेवलप करने के अंदर हेल्प करते हैं, उनको मोटिव बोलते हैं। तो इसके अंदर स्टोरी के अंदर तीन मेजर मोटिव्स हैं, उन तीनों को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है गेम्स एंड डाइवर्टिसमेंट। होता यह है कि जो हेनरी और कैथरीन है वो शुरू में एक दूसरे से मिलते हैं और वो उस वक्त जस्ट एक दूसरे को फ्लर्ट करते हैं, एक दूसरे से झूठी मूठी प्रोमिसेस करते हैं, थोड़ी बहुत किस वगैरह शेयर करते हैं। तो एक तरह से ये गेम सा चल रहा है। और जो वो क्यों करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि अपने दिमाग को डाइवर्ट कर सकें, अपनी ट्रबल्स जो जिंदगी में जो ट्रबल्स हैं उनको भूल जाए। जैसे हेनरी है वो युद्ध की जो यादें हैं उनको भूल जाए, और जो कैथरीन है उसका मंगेतर जो खत्म हो गया है एक तरह से उस दुख भरी याद को भूल जाए। तो अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए ये चीजें करते हैं। तो इस तरह से ये मोटिव हुआ गेम्स एंड डाइवर्टिसमेंट। जो सेकंड मोटिव है वो है लॉयल्टी वर्सेस अबेंडमेंट। जो लॉयल्टी और अबेंडमेंट है, हालांकि ये चीज लव और वॉर दोनों के लिए अप्लाई होती है, क्योंकि अगर हेनरी की बात करें तो उसने अपनी ड्यूटीज है उसको भी ढंग से परफॉर्म किया है, अपनी आर्मी के प्रति भी वो लॉयल रहा है, हालांकि बाद में उसने उसको अबेंडेंट भी किया है। और इस नॉवल के अंदर पर्टिकुलरली जो लॉयल्टी है उसको बताया गया है कि लॉयल्टी लव और फ्रेंडशिप के अंदर ज्यादा चाहिए है बजाय कि किसी ग्रैंड पॉलिटिकल कॉज के लिए। इसी कारण से एक टाइम आता है जब हेनरी आर्मी को अबेंडन कर लेता है और वो अपनी सारी लॉयल्टी अपनी लवर कैथरीन के प्रति समर्पित कर देता है और वो पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित हो जाता है। हालांकि कभी कभी उसे गिल्ट फील आती है कि उसने आर्मी क्यों छोड़ दी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों छोड़ दी, एक तरह से उसे फीलिंग आती है, लेकिन बाद में वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर लेता है कि जो उसकी लॉयल्टी है वो ज़्यादा जरूरी है, उसके रिलेशनशिप जो कैथरीन के साथ है उसमें लॉयल्टी ज़्यादा जरूरी है, इसलिए वो
इसलिए उसने आर्मी छोड़कर कैथरीन का साथ अपनाना ज्यादा अच्छा समझा। तो इस तरह से ये मोटिव हो गया लॉयल्टी वर्सेस अबेंडमेंट। जो थर्ड मोटिव है वो है इल्यूजन्स एंड फैंटेसीज। जो हेनरी और कैथरीन जब एक दूसरे से मिलते हैं वो एक रिलाई करते हैं ग्रैंड इल्यूजन ऑफ लव एंड सेडिक्शन के अंदर फॉर कंफर्ट। कैथरीन जो कि अपने फियांस की डेथ के बाद जो टूटी हुई है तो वो उससे दुख से बाहर निकलना चाहती है, और हेनरी युद्ध की जो यादें हैं उनको भूल जाना चाहता है। इसलिए वो एक दूसरे को सड्यूस करते हैं और एक दूसरे के प्रति प्यार भरी बातें करते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं। तो ये हालांकि उन्हें पता है कि सब ये झूठ मूठ का गेम खेल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जस्ट एक कंफर्ट के लिए सब चीज़ें करते हैं। तो इस तरह से वही इल्यूजन्स और फैंटेसीज को वो प्ले करते हैं एक दूसरे के प्रति। तो इस तरह से ये तीन मोटिव्स हो गए हैं इस स्टोरी के जो कि हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम इस स्टोरी के दो इम्पोर्टेंट सिंबल्स को एक्सप्लेन करते हैं। पहला सिंबल है रेन, दूसरा है कैथरीन्स हेयर। पहले हम ये सिंबल क्या चीज़ होती है इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सिंबल होते हैं, सिंबल्स आर ऑब्जेक्ट्स करेक्टर्स फिगर्स और कलर्स यूज टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स। मतलब किसी भी कहानी नॉवल स्टोरी के अंदर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई करेक्टर हो, कोई फिगर हो या कलर हो जो कि किसी आइडिया या कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है या उसको रिप्रेजेंट करता है उसको सिंबल बोलते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है रेन। रेन इस कहानी के अंदर एक सिंबल है किस चीज़ का, इनएविटेबल डिसइंटीग्रेशन ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ। मतलब जब भी मतलब लाइफ के अंदर जो हैप्पीनेस है उसको ख़त्म करने का सिंबल है एक तरह से रेन इस नॉवल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जब जो हेनरी है हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, उसकी जो वाइफ लवर कैथरीन है वो ख़त्म हो जाती है, हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा होता अकेला, उस वक्त भी बरसात हो रही होती है, जब मतलब एक तरह से हेनरी पूरी तरह से टूट चुका है, उसके जीवन में जो भी था वो सब कुछ ख़त्म हो गया है, तब उस वक्त भी बरसात हो रही थी। और जब पहले जो कैथरीन जिंदा थी तो वो जब अपने बेड पर सो रहे होते हैं तो कैथरीन को हमेशा जब भी बरसात होती है तो उसे यही लगता है कि जैसे कुछ खराब घटने वाला है या कोई गलत चीज़ होने वाली है, हमेशा उसको यही लगता है और वो यही चीज़ बोलती है हमेशा जब भी बरसात होती है। तब पहले चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि जब 7,000 सोल्जर्स है वो कोलेरा से मारे जाते हैं उस वक्त भी बरसात हो रही होती है। जब हेनरी कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है रात को हमेशा, तब बरसात ही हो रही होती है। फॉर एग्जांपल जब वो मिलान छोड़कर फ्रंट पे जा रहा होता है तब भी रात को बरसात चल रही होती है। तो मतलब रेन एक ऐसा सिंबल है इस स्टोरी के अंदर कि कोई भी दुखद घटना जब घटती है तब बरसात जरूर होती है। तो एक तरह से जो रेन है वो एक सिंबल बन गया है डिस्ट्रक्शन का, डिसइंटीग्रेशन का, जो कि हर तरह की हैप्पीनेस को ख़त्म कर देता है इस स्टोरी के अंदर। जो सेकंड सिंबल है इस स्टोरी के अंदर वो है कैथरीन्स हेयर। जब हेनरी और कैथरीन रिलेशनशिप में है तो जब बेड पर साथ सोते हैं तो जो कैथरीन है अपने बालों को खुला कर हेनरी के सिर पर फेस पर डाल देती है, तो हेनरी को ऐसे लगता है कि जैसे उसके लवर के जो बालों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है, तो एक तरह से उसको आइसोलेट कर दिया है, दुनिया के हर जो दुख दर्द है उससे वो आइसोलेट हो चुका है और वो अपने लवर के अंदर पूरी तरह से खो चुका है। और एक तरह से ये कैथरीन के जो हेयर हैं वो सिंबल है कपल का आइसोलेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। मतलब कि वो दुनियादारी सब कुछ भूल चुके हैं और एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से खो चुके हैं फॉर द ब्लिसफुल एंड लवेबल मोमेंट्स। तो ये कैथरीन्स का हेयर ये सेकेंड सिम्बोलिज्म है इस स्टोरी के अंदर। तो दोस्तों इस तरह से हम इस कहानी का एक्सप्लेनेशन पूरा कर दिया है और इस तरह से इस कहानी का पूरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी का, इस नोवेल का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स अ लॉट दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन नजर आता है उसे दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स एंड टेक केयर।